हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो चुका है और उसका नंबर आपको नहीं पता है तो आप किस तरीके से उसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ऐप, सिंपली एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। करेंगे फ्रेंड, देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और सिंपली इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड, सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रिकल रोल, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च बाय डिटेल में जानी है आपको। जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना नाम, सॉरी अपना नाम डालिए, ठीक है। अपना फादर नाम, अपने फादर का नाम लिखिए। इसके बाद आपने एज मेंशन कीजिए, अगर आपको एज नहीं पता है तो कुछ भी डाल दीजिए। अब नॉर्मली तुक्के से आप भी डाल सकते हैं, तो मैं डालता हूँ 18। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आप रहते हैं। तो जैसे मैं एनसीटी ऑफ दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ से क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो मैं नॉर्थ क्लिक करता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है, यानी आपका जो वोटर इलेक्शन ऑफिस है वो कहाँ पड़ता है। तो मेरा वजीरपुर में पड़ता है तो मैं वजीरपुर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको सर्च कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आ गया, मेरा नाम, मेरे फादर नेम, ठीक है फ्रेंड। इसमें आप देखिए पार्ट नंबर, पार्ट नेम, सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई हैं। इसको क्या करना है, हमको यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ इस रसीद को फोटो कॉपी करा के या अपने फ़ोन में ही इलेक्शन ऑफिस जाएंगे फ्रेंड, तो आपको 2500 रुपये लेंगे और आपका नया वोटर आईडी कार्ड दे देंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।